नमस्कार, मेरा नाम है निर्वाण और आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला जो कि खेला जा रहा है जेआईडी टाटा स्टेडियम में। आज का ये मुकाबला जमशेदपुर स्पोर्टिंग एसोसिएशन की तरफ से करवाया गया जेएसए वुमेन्स फुटबॉल लीग का फाइनल मुकाबला है जो कि खेला जा रहा है सरकार वुमेन्स फुटबॉल अकेडमी और शीला देवी मेमोरियल फुटबॉल क्लब के बीच में। आज के हमारे चीफ गेस्ट जो कि बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रह चुकी हैं, जिनका नाम है ओइनम बेमबेम देवी जो मणिपुर से बिलोंग करती हैं और हाल ही में इन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है, हमारे बीच मौजूद है। सभी प्लेयर्स को से हाथ मिलाती हूँ और उनके साथ मौजूद है सरोज लकड़ा जी, आशीष कुमार जी हेड स्पोर्ट्स, अविनाश कुमार जी, पूर्णिमा माथुर जी। ओइनम बेमबेम देवी को इंडियन फुटबॉल की दुर्गा भी कहा जाता है। अब से कुछ ही क्षणों में ये मैच शुरू हो, कवरेज के साथ बना हुआ हूँ और इसी के साथ मैच शुरू होता हुआ मैं बता देना चाहता हूँ ये लाल कलर की जर्सी में जो टीम खेल रही है वो सरकार वुमेन्स फुटबॉल अकेडमी की टीम है और पिंक कलर की जर्सी में जो टीम खेल रही है वो शीला देवी मेमोरियल फुटबॉल क्लब की टीम है। टॉस जीता था सरकार वुमेन्स फुटबॉल अकेडमी की टीम ने और इन्होंने साइड चूज किया और इसी के साथ आज का मैच शुरू होता हुआ। शुरुआत से ही दोनों टीम में काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा जमशेदपुर स्पोर्टिंग एसोसिएशन को जिन्होंने इस तरह का पहला लीग करवाकर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक बड़ा कदम रखा है। आगे आने वाले सालों में ऐसे लीग्स और भी होंगे, ये उसकी नींव है। और यहाँ पर प्लेयर के द्वारा एक अच्छा शॉट, उतनी ही चौकन्नी शीला देवी मेमोरियल की गोलकीपर, बॉल को सेव किया। यहाँ पे आउट थ्रो का मौका SWFA की प्लेयर सोना टुडू, बॉल को आगे लेके जाने की कोशिश और यहाँ पर इन्होंने बॉल को आगे पास किया लक्ष्मी मार्डी ने बॉल को गोल की तरफ मारा पर उत्सार खदम कैप्टन ने उतना ही अच्छा डिफेंड किया यहाँ पर और बॉल को पीछे ढकेला। यहाँ पे जोरदार शॉट वापस से गोल की तरफ पर उसका कोई प्रभाव नहीं। बाहर सोरेंद्र ने बॉल को आगे पास किया लक्ष्मी मार्टी के पास, लक्ष्मी मार्टी बॉल लेकर आगे जाती हुई, क्या ये मौका बन सकता है यहाँ पर? जी नहीं, यहाँ पर डिफेंडर्स शीला देवी मेमोरियल के डिफेंडर्स इतने ही चौकन्ने और उन्होंने बॉल को डिफ्लेक्ट कर दिया। इसी के साथ SWFA को कॉर्नर का मौका मिलता है। कॉर्नर का किक लेंगी बहा कुमारी सोरेन। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ ऐसे ही दो मौके उन्होंने लास्ट मैच में गोल में तब्दील किए थे, क्या यह आज भी कुछ ऐसा कारनामा कर सकती है? एक जोरदार किक, उस किक का कोई प्रभाव नहीं, बॉल बाहर जाता हुआ। वापस से खिलाड़ी अपनी जगह पर आते हुए वहाँ सोरेन ने बॉल को आगे लेके जाए गए और किक गोल की तरफ और इतना ही अच्छा सेव सुजाता सिंह के द्वारा और यहाँ पर रेफरी का इशारा हाफ टाइम। तो हाफ टाइम तक का स्कोर है 0-0, कोई भी टीम अभी तक गोल नहीं मार पाई है। हाफ टाइम के बाद दोबारा से ये मौका मैच शुरू होता हुआ और यहाँ पर प्लेयर्स ने बॉल के पीछे ढकेला और एक जोरदार शॉट शुरुआती क्षणों में ही शीला देवी मेमोरियल की गोल की तरफ। सोना टुडू बॉल के पीछे, बॉल को उन्होंने अंदर लाया पर
बॉल को उतना ही अच्छा सेव किया सुजाता सिंह ने। काफी मुस्तैदी से वो गोलकीपिंग कर रही है। वहां बॉल अश्विन माडी के पास, भास सोरेन एक अच्छी मिडफील्डर है, मौका बनाने की कोशिश। यहाँ पर पार्वती किस्कू बॉल को आगे लेके जाने की कोशिश यहाँ पर, और ये रेफरी के द्वारा अच्छा बचाव दोनों पैरों के बीच से। पार्वती किस्कू के पास बॉल, एक जोरदार शॉट लिया उन्होंने गोल की तरफ, क्या ये मौका बन सकता है। रानी रविदास ने एक जोरदार शॉट लगाया पर बॉल गोल के ऊपर से बाहर की तरफ। SWFC के प्लेयर्स लगातार अटैकिंग मोड पे खेली जा रही है। अरे फ्री किक, जोरदार शॉट लगाया रुखसार खनम ने जो कि कैप्टन है शीला देवी मेमोरियल फुटबॉल क्लब की। यहाँ पर लक्ष्मी माडी के पास, लक्ष्मी माडी ने बॉल आगे पास किया, क्या ये मौका बन सकता है। पानो बास्की के पास बॉल, पानो बास्की ने अच्छा असिस्ट किया और ये रानी रविदास के द्वारा एक शानदार गोल यहाँ पर SWFA को मिलता हुआ। एक अच्छा पासिंग गेम, एक अच्छा असिस्ट और एक हल्का सा पुश और ये गोल उनके नाम। और इसी गोल के साथ मैच में अपनी बढ़त बना ली है SWFA के प्लेयर्स ने। क्या यहां पर शीला देवी मेमोरियल की प्लेयर्स मैच को बराबरी पे ला सकती है। रुखसार खनम ने एक जोरदार शॉट लगाया, वहां बाहर सोरेन का एक अच्छा हेड, बॉल को वापस से गोल की तरफ मारा और एक रनिंग शॉट गोलकीपर के द्वारा वापस से उन्होंने हेड किया। इस बार गोलकीपर ने बॉल को हाथ से पकड़ लिया। यहाँ पे फ्री किक SWFA को मिलता हुआ, भारत सोरेन लेंगी ये फ्री किक। जोरदार शॉट गोल की तरफ और यहाँ पर गोलकीपर के हाथ से बॉल निकलता हुआ, क्या ये मौका बन सकता है। यहाँ पर बॉल अभी भी टी बॉक्स में है और जी नहीं, यहाँ पर उतनी ही मुस्तैदी से बॉल को दोबारा वापस पकड़ा सुजाता सिंह ने। यहाँ पर SWFA की प्लेयर थोड़ी इंजर्ड होती हुई। खेल वापस से शुरू होता हुआ, एक आउट थ्रो, अच्छा पासिंग गेम। यहां पर बॉल डी बॉक्स के अंदर, बॉल गोलकीपर के हाथ से निकला और एक दूसरा गोल रानी रविदास के द्वारा, एक शानदार दूसरा गोल रानी रविदास के द्वारा जो कि कैप्टन है सरकार वुमेन फुटबॉल एकेडमी की। यहां पर छोटी सी चूक हुई सुजाता सिंह गोलकीपर के द्वारा और इसी मौके को इन्होंने गोल में तब्दील कर लिया। ये मैच धीरे धीरे शीला देवी मेमोरियल के टीम के हाथ से निकलता हुआ, अगर उन्हें इस मैच वापसी कर दी है तो एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी के साथ उन्हें इस मैच में गोल करना होगा। पर यहाँ सरकार वुमेन्स फुटबॉल एकेडमी की जो डिफेंडर्स हैं काफ़ी चौकन्नी, बॉल को अपने खेमे में आने ही नहीं देती। वापस से रानी रविदास बॉल को छकाती हुई आगे लेके जाते हुए और एक शॉट, बॉल को डिफ्लेक्ट किया गोलकीपर ने, बॉल अभी भी डी बॉक्स के अंदर, एक जोरदार शॉट पर बॉल बाहर जाता हुआ और रेफरी के इशारे के साथ ये मैच आज का यही समाप्त होता हुआ। एक शानदार मैच हमें देखने को मिला और लगातार दो गोल मारकर 28वें मिनट और 38वें मिनट में दो गोल मारकर रानी रविदास ने इस मैच को सरकार वुमेन्स फुटबॉल अकेडमी के लिए जीत लिया है और फाइनल स्कोर 2-0 से विनर रही है सरकार वुमेन्स फुटबॉल एकेडमी की टीम। जी धन्यवाद।